और हम पिकनिक के लिए आते थे, देखने के लिए आते थे, इवन वी टू कार लैंड बेस्ट चाहिए। अब वो बेस्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है, तो वी हैव टू वेट। तो हमने वो वेट किया और हमें वो चीज मिली एग्जैक्टली। Hi guys, my name is Shashank Jain and welcome back to my channel Woodofa. आज मैं आपके सामने एक नया घर, एक नई फैमिली और बहुत सारा एक्सपीरियंस घर को बनाने का लेके आया हूँ। So let me introduce Rahul and Alicia first. Hi, myself Rahul Lamba and I'm a working professional. And it's been 6 months now we bought this home and we're just living it now. Lovely. Alicia. Hi, myself Alicia. I'm a working woman and I'm managing my work with home. We are living with our in-laws, so let's see. So again, let me introduce uncle to you. Uncle. Myself Shokumar Lamba, I am retired. I have a beautiful family. I am enjoying my retired life. ये बढ़िया। आंटी इज नॉट हेयर। अगर आंटी होती तो वो बोलती कि हमने सारे वीडियोस देखे हैं वुडोफा के और बहुत मजा आता है। She must be missing this part. She must be missing it. So sorry, I know she's not here. So guys, so we are coming to this stage where the video is being made और घर बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। So let us start with the basics. तो अभी बताओ कि how did you find वुडोफा? How did you find वुडोफा? We find वुडोफा on YouTube. So मैं ऐसे कुछ videos वगैरह search कर रहा था, looking for a interior designer who can work for our new home. So finally, we just saw only one video that was, I already told you about that, was Clio County video. So that concept, actually my mother was watching that video. She just said, we want this kind of home only. So from that video, so it was already finalized. And I mean, the entire color scheme and everything came from that video. This is a replica of that one. I know. But with some different taste, right. With some different elements. Right. Altogether, Alicia, आपका कैसा एक्सपीरियंस था वाइल सर्चिंग फॉर वुडोफा? मे बी राहुल ने, आंटी ने देखा, तो व्हाट यू वर थिंकिंग वाइल लुकिंग एट वुडोफा? जब हमने देखा तो लगा कि दिस इज द बेस्ट, बिकॉज उनके आइडियाज, उनका जो डिजाइन था, वो सारा कुछ देख के ना कुछ अलग सा लगा हमें कि हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो हमने बहुत सी वीडियोज देखी उसकी कि विच इज द बेस्ट वन, सो वी पुट समथिंग, take something this from one of the house and we have to think, okay, now we go to Woodofa, this is the right option. Wonderful. So अब इतने सारे वीडियोज थे, इतने सारा मे बी जब डिज़ाइन या कोई इंटीरियर डिज़ाइनर आप सेलेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारा कुछ चल रहा था दिमाग में। सो अंकल आपसे पूछूंगा, हाउ डिड यू कम टू क्लोजर कि नहीं मुझे इसी कंपनी के साथ आगे जाना है? मुझे यूट्यूब में देखा, मुझे ट्यूब आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपका स्टाइल डिज़ाइन वेरी ब्यूटीफुल, सोचा आई थिंक वुडोफा इज द बेस्ट। इज द बेस्ट, ओके। तो राहुल आपका क्या थॉट था जब आप वुडोफा सेलेक्ट कर रहे थे कि अच्छा वीडियोस तो देख ली, डिज़ाइन भी देख लिया, समझ भी आ गया, बट लाइक हाउ डिड यू चूज? सो व्हेन वी केम टू योर ऑफिस, यू नो, बिफोर लुकिंग एट द डिज़ाइंस, फाइनलाइजिंग द डिज़ाइंस, बिफोर मीटिंग योर टीम, सो फर्स्ट वी मेट यू, राइट? यू केम टू आवर होम, सो यू नो द पैशन वी लुक इन यू, यू नो द, यू नो, ड्राइव, दैट वाज अ ड्राइव, यू नो, यू take us for a drive to, we came to this drive. Wonderful. Alicia, आपके मन में क्या चल रहा था? Same, यही था कि जब आपने हमें ये सब चीजें बताई, एक-एक चीज को समझाया, अगर कोई चीज properly समझाई जाए तो वो दिमाग में बैठ जाती है कि yes, अब हम जो सोच रहे हैं, the decision would be the best, would be the correct or something, okay. But हमें लगा कि नहीं, जैसे समझाया गया, जैसे पूरा उसको एक्सप्लेन किया गया, दैट वाज बी द बेस्ट वन। लवली। सो आपके मन में क्या चल रहा था जब मम्मा आपको बताती थी डिजाइन के बारे में, घर आके आपके रूम के बारे में, तो आप क्या सोचते थे? मेरा रूम बहुत अच्छा था, और जो रूम था वो बहुत बेड जैसे लग रहा था, पूरा बेबी जैसे। वेरी गुड, थैंक यू। सो अब सब कुछ हो गया, आपने फाइनल कर लिया एंड यू डिसाइडेड टू मूव अहेड विद वुडोफा एंड देन केम द डिज़ाइन। सो व्हाट वाज गोइंग इनटू योर माइंड अलीशा व्हाइल वी वर डिजाइनिंग द होम? सबसे पहले माइंड में आया था किचन। उस टाइम पे बहुत छोटी थी एंड वी वर थिंकिंग कि हमारी किचन थोड़ी सी होनी चाहिए बड़ी, जिससे कि लगे सम, क्योंकि पहली वाली जो थी वो पहले थोड़ी छोटी थी, तो वी वर
thinking that you this would be the best and this would be the bigger one. So यही आपने हमें suggest किया कि उसको हम किस तरीके से properly बड़ा कर सकते हैं, कैसे उसके यूटिलिटी एरिया को हम कवर कर सकते हैं, हम उसके स्टोर को कैसे कवर कर सकते हैं, सर्वर रूम को कैसे कवर कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली कैसे हम डिज़ाइन उस तरीके से बना सकते हैं. तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लग रहा था कि कैसा होगा, ऑफकोर्स कैसा लगेगा, इट वुड बी द गुड वन और नॉट, बट इनिशियली जब बन के आई तब इट वॉज आई कांट इमेजिन एंड इट वॉज अ well structured and well designed properly, so everyone liked it very much. Wonderful, because that is what I remember was once we started the discussion, so we had a discussion of few elements in the house ki yehi karenge, and then during the course of design Rahul used to say ki nahi yaar ye bhi change karenge, isko bhi nahi rakh rahe, acha kuch aur batao, ye bhi naya dalenge. So I keep getting those queries. Yes. So Sameer was always like ki sir aap to keh rahe the kuch change nahi karna hai, yahan to sab kuch change ho raha hai. बोला राहुल को अच्छा लग रहा कर रहा है, लेट इट डू, द फेस, बट जो मेरे पीछे बैठे हुए थे, आई द फेस ऑफ द फैमिली, आई नो, पीछे जो पीछे से पुश हो रहा था करना है करना है, पीछे से मम्मी और अनीशा ये सब पुश कर रहे थे कि करना है करना है. आई रिमेंबर, सो आई मीन ये तो डेफिनेटली था ओल्ड डिजाइन में. एंड अलीशा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूशन? तो जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो मे बी जो विजुअल हमने डिजाइन किया था और जब आप यहाँ देखने लगे तो क्या लग रहा था? आप आते थे साइट पे कभी कभी? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आते थे और हम पिकनिक के लिए आते थे, पिकनिक के लिए आते थे, इवन वी टुक आवर लंच एंड वी हैड अ लंच हियर, एंड तब एग्जैक्टली प्रॉपर्ली समझ नहीं आता था क्योंकि आधे अधूरे में चीज बिल्कुल नहीं समझ आती. हमें लगता था कि हाँ हो रहा है बट वी डोंट नो कि फाइनल एग्जीक्यूशन क्या है, क्या बनेगा कैसा बनेगा. मतलब एक माइंड में एक रहता है कि हमें ये चीज बेस्ट चाहिए, अब वो बेस्ट के लिए हमें वेट करना पड़ता है. करेक्ट. तो वी हैव टू वेट, तो हमने वो वेट किया और हमें वो चीज मिली. एग्जैक्टली, या वी नेवर थॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ आउटपुट रियली गुड. अच्छा, तो व्हाट वाज गोइंग इनटू योर माइंड जब एग्जीक्यूशन पे आप आते थे? कचरा है, कूड़ा करकट हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा है. जब आते हमें लगता नहीं था कि ये घर ऐसे बन सकता है, वेरी यू नो काफी कूड़ा कचरा और ईंटे वगैरह सब टूटा हुआ था. तो पेंट भी आई गेस नहीं हुआ था, नो आफ्टर जैसे जैसे लास्ट स्टेज आ रही थी तो उसकी नो इट वाज कमिंग टू शेप, जैसे जैसे लास्ट डेज थे सो तब हमने थोड़ा मैजिक करना स्टार्ट कर दिया था कि अब इस टाइप का करने का फेस विल बी लाइक दिस. तो अंकल आपको कैसे लगता था, क्योंकि मुझे याद है आप और आंटी भी आते थे और बहुत अच्छा लगता था, देखते थे प्रोग्रेस कितनी हो गई है, कितना काम रह गया है, अब जल्दी जल्दी शिफ्ट हो और हम उस मकान से निकल के हम चाहते हैं अमेजिंग हो, बट यू आर अमेजिंग. थैंक यू. इवन दिस वॉल वी कैन से स्टार्टिंग में इस वॉल में आधा वर्क हुआ हुआ था, तो ऐसा लगता था कि मतलब ये प्रॉपरली ठीक है जो हमने डिजाइन करा है, जो डिजाइन फाइनली दिया है, बट जब एग्जैक्ट फाइनल स्टेज हो गई देन इट वुड बी द आई मीन जब एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस लगने लगा. सो गाइस आई मीन दिस इज अ की पॉइंट व्हिच आई ऑलवेज से, तो कई बार क्या होता है कि जब बना रहे होते हैं ना तो समझ नहीं आता. सो आपको लगता है यार ये गलत बन रहा है या मे बी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये बन जाएगा. सो आई ऑलवेज से Do not think and get to a conclusion in the middle. पहले उसको होने दो, हमें पूरा करने दो, उसके बाद कुछ लगेगा. If there's something missing, we're there to help you out. As designers, हम लोग भी चाहते हैं कि आपका घर अच्छा बने. So the important part is, Rahul, बहुत सारे मैं designers और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ तो वो क्या करते हैं, वो लोग बहुत जल्दी conclusion पर reach out कर लेते हैं और लोग बीच में से छोड़ के चले जाते हैं काम, या लोग उन्हें हटा देते हैं. और मैं बोलता हूँ कि trust it. अगर एक बार आपने शुरू में trust किया है तो let them complete it. Let them put that their best together. अब कोई बीच में भागने वाला ही बंदा है तो बात अलग है, अदरवाइज जनरली 90% पीपल आर फाइन. और अच्छा करेंगे तो अच्छा ही बनेगा. सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से. ओके, सो अब नाउ टेल मी समथिंग व्हिच यू से कि इज योर फेवरेट इन द हाउस. आप बताओ पहले अलीशा. किचन लेडीज फेवरेट. आई नो उसका जो कलर डिजाइन इट वाज अमेजिंग. कभी कभार लगता है कि वहीं पे बैठ के खाना भी खा लो, वहीं पे रह लो, कोई बात नहीं, रूम में जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज फाइन, इट्स वेरी बिग एंड स्पेशियस, सो दैट्स व्हाई आई लव. सो आई रिमेंबर जब हम किचन की बात कर रहे थे तो वो स्टोर की कुछ अल्मीरास की आंटी बात कर रही थी कि मेरे को अल्मीरास तो बहुत ज़्यादा चाहिए. और मैं कह रहा था नहीं आंटी आराम से हो जाएगा, आप चिंता मत करो. तो तभी वो लग रहा था कि यार ये इतनी बड़ी अल्मीरा मेरी इधर किचन में कैसे आएगी.
I mean that corner almira has really changed the way kitchen is looking. वो storage ही सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ की. अगर वो storage नहीं होती तो हमारा कोई सामान नहीं आता. तो that's the main part कि उसका storage इतना well structured है कि properly हमारी हर एक चीज़ show हो रही है, सब कुछ दिख रहा है. और हमें मतलब अगर हम पहले जहाँ पे थे तो वहाँ पर यही होता था कि चीजें हमने रख दिया है पर we can't see कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है. But यहाँ पर we can see if we are just open it and then we can see oh this is the one we can take it and everything. So that would be the lovely. तो आपको कैसा लगता है किचन में राहुल? किचन मुझे काफी अच्छा. अलीशा आपसे काम करा दी. किचन में मैं वो आपसे देखी कि अलीशा किचन में अच्छा क्यों लगता है? क्यों लगता है? जो काम करे तो बस लगता है. ये हर फैमिली का होता है. हस्बैंड्स को लगता है कि हम ही सब काम करते हैं. एक्चुअली मेरे यहाँ भी ये होता है बट मुझे पता है कि लेडी ऑफ द हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उनके बिना हम घर में मैगी भी नहीं बना सकते. पानी भी उन्हीं से लेना है कि कब चाहिए तो वही. सो ओके, सो व्हाट इज योर फेवरेट ऑब्जेक्ट इन द हाउस? सो एवरीथिंग इज माय फेवरेट फ्रॉम किचन टिल बेडरूम्स. बट आई गेस यू नो दिस एरिया ऑफ अ ड्राइंग रूम द वॉल एंड यू नो द वॉलपेपर with that laugh and mirror. That means more the bar. So you know, this came out very well, this whole theme. So this my this area is my favorite. It's very wonderful. Very good. Uncle, आपका क्या favorite है? Of kitchen and drink. अच्छा drink. That's balcony. Balcony. So the kids room is also very different because the feel, if you can say, if you enter the room, then you can think, okay, मुझे आलमीरा भी बहुत सही लग रही है और इसके पीछे का जो तू वॉलपेपर सोच रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. तो एक बारी को ना हमको डाउट हो रहा था कि यार ये मतलब अभी अभी तो छोटी है पर ये 2-3 साल बाद थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो क्या इसको ऑब्सोलीट तो नहीं लगने लगेगा? कोई ऐसा तो नहीं लगेगा कि 3 साल बाद कहेगी कि मुझे मेरा रूम चेंज करना है? सो वी वर हैविंग मल्टीपल डिस्कशन लाइक दिस बैकग्राउंड में. आपको तो पता नहीं है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे. तो देन समीर कन्विंस मी कि बोला नहीं सर, आई एम गारंटिंग यू दिस कि ये ऐसे ही अच्छा लगेगा. मैंने ठीक है कि अगर तेरा गट है तो लेट्स गो अहेड विद इट. राइट, सो वी नीड चेंज करवा था. इनिशियली देयर वाज सम अदर वॉलपेपर. दे शेड दिस प्लैनेट्स वॉलपेपर इज देयर. I mean, because I remember जब समीर आपका kids room design भी कर रहा था, so we had a review, हमारा internal review होता है, we review each and every project, each and every design. तो मैं उसको बोल रहा था समीर ये बहुत सही लग रहा है, मतलब मुझे almira भी बहुत सही लग रही है और इसके पीछे का जो तू wallpaper सोच रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. तो एक बारी को ना हमको डाउट हो रहा था कि यार ये मतलब अभी अभी तो छोटी है पर ये 2-3 साल बाद थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो क्या इसको obsolete तो नहीं लगने लगेगा? कोई ऐसा तो नहीं लगेगा कि 3 साल बाद कहेगी कि मुझे मेरा रूम चेंज करना है? सो वी वर हैविंग मल्टीपल डिस्कशन लाइक दिस बैकग्राउंड में. आपको तो पता नहीं है, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे. तो देन समीर कन्विंस मी कि बोला नहीं सर, आई एम गारंटिंग यू दिस कि ये ऐसे ही अच्छा लगेगा. मैंने ठीक है कि अगर तेरा गट है तो लेट्स गो अहेड विद इट. राइट राइट, सो वी नीड चेंज करवा था. इनिशियली देयर वाज सम अदर वॉलपेपर. दे शेड दिस प्लैनेट्स वॉलपेपर इज देयर टू कमिंग टू फॉलो. एब्सोल्युटली, उसने उसकी गट थी तो मुझे लगता है एज अ डिजाइनर जब वो कोई गट से बोल रहा होता है तो मुझे लगता है विश्वास कर लेना चाहिए बिकॉज ही इज देयर डीप इनटू द प्रोजेक्ट एंड ही नोज कि मुझे क्या देना है क्लाइंट को जो अच्छा लगेगा उसकी फैमिली को. एब्सोल्युटली, और मतलब ये ना कनेक्शन की बात है बिकॉज अंटिल अनलेस आपका डिजाइनर आपके साथ कनेक्टेड है सो ही विल नॉट बी एबल टू सजेस्ट यू थिंग्स विच यू रियली आर लुकिंग फॉर. आप बता तो नहीं सकते हो तो वही तो आपको गाइड कर सकता है कि आप क्या ले सकते हो. सो उस मामले में मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आवर डिज़ाइनर हेयर समीर. ही कुड नॉट बी हेयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट उसने काफ़ी मेहनत करी टू मेक इट लुक व्हाट इट इज टुडे. तो आल्सो आई ऑलवेज सेड दैट यू नो द डिजाइनिंग पार्ट वेंट वेरी वेल फ्रॉम स्टार्टिंग ऑन. लाइक आई डोंट थिंक इट टुक अराउंड मैक्सिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 2-3 वीक्स. यस यस यस. And you did it one by one, like fatafat. Ek bar aaye clear, ek bar aaye clear. On paper we can say he already choose that and then show it. This is the one. Okay, you can go ahead. And you're like, we can check, more. Many more, but he's like, this is the best one. Okay, yeah, you are. चलो ठीक है, ठीक है, ये लेते हैं. Yeah. Very helpful. Very helpful. I know. तो ये तो अच्छा रहा उस पूरी strategy में. So
देन कम्स अप लाइक कुछ अनएक्सपेक्टेड अंकल जो आपको लग रहा था कि मेरे घर में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं और ये ऐसा कुछ मिला आपको समथिंग अनएक्सपेक्टेड यू गॉट इन द हाउस तो अनएक्सपेक्टेड ये किचन हमें बहुत देखने किचन मिल गई घर बहुत अच्छा मिला बिग हाउस मिला डेकोरेशन अच्छी डिजाइन बहुत अच्छा और जो देखता है सरप्राइज वेरी ब्यूटीफुल तो लोगों को विश्वास नहीं होता इतने छोटे से फ्लैट में इतना सारा कुछ हो गया वुड फील प्राउड Because I remember कि अगर actual video आप देखोगे तो it's a small flat. It's not that big जो हमारे दिल्ली के घर तो फिर भी थोड़े बड़े होते हैं. It's not independent house. Independent. Compared to now talk about Delhi flats, the apartments are really little small in size. And what is something unexpected you got in the house which you were not feeling कि अच्छा ये हो जाएगा ऐसा? I was feeling about this wall. This is something unique. Okay. If you can say. And I love this mirror wall as well yes. because when we saw that in other of the kitchen other house. Of the houses so we were thinking ki kare ki nahi kare but I am pretty sure ki nahi karna should be there ye to honi chahiye karna hai so I remember wo to Alisha ka tha ki ha ye karna hai ye to chahiye mujhe Rahul aapke liye kya tha what was something which you were not expecting at all no ऐसा क्वेश्चन था कि मैंने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था आई वाज एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग जस्ट एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया ये सही है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सब कुछ वैसे ही बन गया और सच ही बना रहा एक्सपेक्टेशन मीट हो गई एक्सपेक्टेशन मीट हो गई मोर देन एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन तो आईटी में बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन मीटिंग एंड देन एक्सीडिंग द एक्सेप्ट ऐसे कुछ बोलते हैं ना एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस तो वो बोल सकते हैं क्या हो गया क्या राइट सो वंडरफुल So I mean now we are nearly at the close and मुझे हमेशा जब भी मैं close कर रहा होता ना मुझे हमेशा लगता है अरे खत्म क्यों हो रहा है अभी तो इतनी सारी stories हैं अभी तो इतना सारा मस्ती है जो इस घर में हमने की है बनाते वक्त तो वो कैसे predict करें but ideally खत्म तो होना ही है so आप tell me one final statement to the viewers who are watching Woodofa and how do you recommend Woodofa to them? So now you can as for my experience with working with Woodofa getting a home. It's one of the best homes we got and I can recommend you everyone that you can you know watch their videos, watch their passion in it and you can just call them for your new house renovations. Wonderful. Thank you so much. Alisha, aap ka ek final statement. You have to trust them. You have to trust your designer and they are very easily approachable. So they can guide you as best as they can. Wonderful. Thank you so much. हमने पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के सो गाइज वी आर कमिंग एट द क्लोज एंड साइनिंग इट ऑफ सी यू एट अनदर सोफा फ्रॉम Woodofa. थैंक यू सो मच